नीचे उधर कहाँ जाएगी किसमें जाएगी गाड़ी में सवारी नहीं गाड़ी में पाँव गाड़ी डर बैठा दो लड़की बैठी हम भी रखते हैं मेरे पास में मेरी शादी है मेरे से बैठ जाएगा अधिकारी से बैठ जाएगा आप रोड में डिपो वाले जाट ठोके निकल गए नहीं निराकरण कुछ नहीं, नो पार्किंग में खड़ी थी बस और वो सीज की जा चुकी है और परिसर में खड़ी है पुलिस के। तो आप ये रोडवेज कह रहे हैं, आप प्राइवेट को जाके पूछो वो ये कहेंगे कि आप हमारी सीज कर रहे हो, रोडवेज वाले को छोड़ रहे हो। तो एक आदमी के कहने पे कोई चीज़ सत्य हो नहीं हो ये आप दावा नहीं कर सकते। जहाँ नो पार्किंग के अंदर जो भी बस खड़ी होगी चाहे रोडवेज की हो या प्राइवेट, वो हम कार्रवाई करेंगे। तो अभी साहब की ओर से निर्देश यही है कि नियमानुसार प्रत्येक कार्रवाई हो, रोडवेज अगर खड़ी होती है तो रोडवेज के चलान हो और प्राइवेट खड़ी हो तो प्राइवेट के। जो नियम और कायदे वहाँ बनाए गए हैं, जो नो पार्किंग बनाई गई है, उसके अंदर कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। दो सरकारी विभागों में टकराव हुआ। जी हाँ, बाड़मेर में यातायात पुलिस ने जब रोडवेज की बस का चालान किया तो यहाँ पर बाड़मेर के अंबेडकर सर्किल पर हालात कुछ इस तरीके से बने हैं कि दर्जनों पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और दो व्यक्ति यहाँ पर रोडवेज कर्मचारी जो यहाँ पर इस चीज़ का विरोध करने आए थे, कोतवाली पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस जाब्ता किस तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है, कई थानों की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकारी विभाग ये अगर आपस में भिड़ने लगे तो आम जनता उम्मीद क्या रखे। रोडवेज का ये कहना है कि निजी बसों को यहाँ पर ज़्यादा सहूलियतें दी जाती हैं बनिस्पत यहाँ पर रोडवेज की, जब बस कहीं पर थोड़ी सी गलती में उन्हें नज़र आए तो यातायात पुलिस उनके ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई कर लेती है। लेकिन सबसे व्यस्तम सर्किल पर इस तरह के हालात रोज़ बनते हैं, रोज़ यहाँ पर निजी बसों का जमावड़ा लगा रहता है। लेकिन विवाद सबसे ज़्यादा अगर होता है तो रोडवेज और ट्रैफिक पुलिस के बीच में। ऐसे में आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। आम जनता, आम यात्री यही कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें हमारी टिकट का किराया वापस कौन देगा। दोनों विभागों के टकराव का खामियाजा आम जनता को पूरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन प्रकाश खत्री के साथ दुर्ग सिंह, न्यूज़ बाड़मेर।